हम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डन चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बर्ड्स पे है, लव बर्ड्स पे है। तो ऐसे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाया करूँगा, उसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किया करूँगा। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने कॉलोनी में लव बर्ड्स रखने हों तो कौन सी नस्ल सही रहती है रखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इसको कॉलोनी में रखना सही है या फिर सेपरेट रखना सही है, अगर आप इनसे ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं। तो ये जो लव बर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत समझ लें कि एक्टिव होते हैं बर्ड्स। ये नहीं कि वो होते हैं थोड़े वीक, ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। इनकी निस्बत ना ये है रिंग नेक और इनकी निस्बत ना ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये ना सुबह के टाइम वो करते हैं, शोर मचाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह के टाइम शोर मचाते हैं, जैसे अंधेरा होता है ये फिर सो जाते हैं। और ये दोपहर को आराम करते हैं और ना रात को फिर शोर मचाते हैं, शाम को ना फिर ये खेलते हैं। यानी कि सुबह को एक्टिव रहते हैं, दोपहर को थोड़े सोए सोए रहते हैं, अपने आप रेस्ट करते हैं और रात शाम को फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप ना इनको ना उसमें रखना चाहते हो कि कॉलोनी में एक साथ, जैसे मैंने रखे हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे वैरायटीज हैं, ये देखो, ये मैं ज़्यादा दूर बैठो ताकि मेरे से डरे ना। तो ये है बड़ा चेरी, ये लुटीनो है जो पीछे बैठा है ब्लैक आई, और ये जो सामने बैठा है ये है बड़ा रेड आई। वो जो छोटी सी अपनी वो निकाली हुई इसने वो, ये आपका फिशर, और ये फिशर क्रॉस से निकला हुआ, यानी कि इसका हेड हल्का सा ब्लैक है। और ये पीछे जो बैठा है ये ब्लैक मास्क है, सॉरी ब्लू मास्क है। ये ब्लू होता है, उसके सार पे ब्लैक मास्क होता है, तो इसको ब्लू मास्क कहते हैं। अगर ये फिशर के सार पे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो ना कलर, तो फिर इसे कहते हैं ब्लैक मास्क। और ये इसको क्या कहते हैं भाई मोटू तो इतना ज़्यादा मोटा लग रहा है। चलो भाई मोटू को चलो आपको इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गया। इसके पर कट्टे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये डरता नहीं है मेरे से। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा अभी नहीं, और ये आज तक आई ये मुझे हाथ ही लगा देता, पहले लगा देता था, वो भी बताऊंगा कि क्यों। तो अभी इसकी टॉपिक नहीं है। तो अगर आपने ना कॉलोनी में रख रहे हो ना बर्ड्स, तो एक बात ये ना याद रखें कि जो लुटीनो होते हैं ना, ये वाले जो पीछे बैठे हैं, ये आपको देख के लग रहा हो कि कैसे डरा डरा है, तो ये साइज़ में बड़े होते हैं इंसाफ से, लेकिन क्या ये डरपोक होते हैं। ये अगर किसी से फाइट कर लेना, फॉर एग्जांपल इससे फिशर से, तो ये कभी नहीं जीतते, क्योंकि फिशर ना छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, और ब्लू मास्क इससे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सबसे जो वो होते हैं ना डरपोक, वो होते हैं लुटीनो। लुटीनो के बाद जो आती है ना, यानी थोड़े काम जो डरपोक होते हैं, वो होते हैं ये लव बर्ड्स, ये वो। और ये जो ये इस कलर में होते हैं ना, ये बैठे, ये फिर भी कुछ काम होते हैं, यानी कि काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये लड़ने के लिए ना अपनी वो करते हैं, जान निकाल डालते हैं, यानी कि लड़ाई में, यानी कि इनको अगर कोई मटकी चाहिए तो ये कंसिस्टेंट रहते हैं, यानी कि उसको ले के रहते हैं आखिरकार। जैसे कि ये है, ये अपना घर इन्होंने अगर हासिल करना हो ना, तो ये लगे रहेंगे, बेशक मार खाएंगे ये फिशर से, लेकिन अगर कोई और वाला लुटीना हुआ तो ये उसे बहुत ही जल्दी खींच लेंगे। तो इन्होंने ना ये जो ये हैं,
ये सबसे पहली ब्रीड है। इन्होंने ना इसके बाद ना काफ़ी मैंने डाले, लेकिन इन्होंने अपना घर किसी को भी नहीं देने दिया। ये है बड़ा इंसान, जिनके ना हुक्मरानी होती है ना उनके घर अक्सर ऊंचे होते हैं, ऊंची जगह पे बनाते हैं, और जिनके ना थोड़े वो होते हैं ना डरपोक, थोड़े नीचे जगह बनाते हैं। फिशर में ना जो फिशर है वो देखो पीछे बैठा है, नज़र नहीं आएगा। पीछे वाली मटकी में ना फिशर और ब्लू मास्क, वो देखो ऊपर देखो अंदर ब्लू मास्क सा नज़र आ रहा है ना, और इसने ये जो आगे बैठा है इसने घर बनाया हुआ। यहाँ पे भी आपने देखा था कि फिशर अंदर जो बैठी है वो फिशर है, फिशर की मादा है, मादा सबसे ज़्यादा वो होती है होशियार। तो हालांकि इसने लुटीनों का नार बनाया हुआ है अपने साथ पेयर, लेकिन लुटीनों को कभी भी ऊपर वाली मटकी नहीं मिलती अगर ना उसके साथ कोई पावरफुल बन वो ना हो, बर्ड ना हो। तो इसके साथ ना पावरफुल बर्ड है फिशर, इसी वजह से ना इसको सबसे ऊँची मटकी मिली हुई है। और ये इनको ये वाली मिली है क्यों, ये मैंने आपको बताया कि लुटीनों इतने नहीं होते वो, लेकिन इसकी जो मादी है ना ये वाली, ये लव बर्ड है, ये भी लड़ती है ये भी कटती है। ये अगर इन इसका ये मादी ये बहुत वो है गुस्से वाली, इसने जो मटकी ली थी वो इनसे ली थी, तो ये उससे लेस कैटेगरी में आती है जो डार्क वाला बैठा है ना आगे। तो इनकी कलर वाइज आपको कर सकते हो कि हर किसी का ना अपना एक रैंक होता है। ये जो ये होते हैं ना ये पावरफुल हैं ज़्यादा, ये जो नीचे बैठे ये ज़्यादा पावरफुल है, और वो जो चैरी मैंने दिखाया चैरी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, इसके साथ एक एल्बिनो होता है, एल्बिनो की मादी है मेरे पास, लेकिन वो छुपी रहती है, वो नीचे वाले बॉक्स में है। वो लुटीनो की तरह ही दिखती है, लेकिन उसका मुंह ना लाल नहीं होता आगे से, वो तो पूरी येलो होती है, उसकी आँखें लाल होती हैं, उसको कहते हैं एल्बिनो। इसको भी यहाँ पे एल्बिनो कहते हैं, लेकिन ये चैरी से निकला हुआ मिक्स है ये जो आगे बैठी। तो वो जो वो होती है ना वो लुटीनों से ज़्यादा होशियार होती है, तो यानी कि सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी में आते हैं ना, क्वालिटी नहीं कह सकता, जो जिनका ना वो होता है ज़्यादा डरपोक होते हैं सबसे ज़्यादा, वो होते हैं लुटीनो। लुटीनों से जो काम होते हैं वो ये होते हैं, इससे जो काम होते हैं वो ये होते हैं, उससे जो काम होते हैं वो ये हैं, फिर जो सबसे कम है वो यही बैठी थी अभी किधर भी वो बैठी है ये येलो वाली, ये है एल्बिनो, और ये इन्हीं की माँ है, ये इनकी माँ है, ये बैठे नहीं है सारे, इन्हीं की माँ है, ये इंतहाई गुस्से वाली है। ये इंतहाई गुस्से वाली है, और ना ये ना वगैरह पर किसी से डरती नहीं है, मार खाएगी अगर फिशर से मुकाबला होगा ना तो मार खाएगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। जबकि फिशर जो होते हैं ना, फिशर काफ़ी वो होते हैं लड़ाकू किस्म के होते हैं, और ये ब्लू मास्क फिर भी फिशर से कम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्स्ट कैटेगरी में जो लड़ाकू हैं वो फिशर हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ना कभी भी फिशर को लुटीनो के साथ ना रखें। देखो बनाया था हुआ है पेयर, लेकिन इसने बड़ी मार खाई है इसके साथ मुझे पता है इसने बहुत मार खाने के बाद बनाया, क्योंकि ये दोनों नार थे, इन्होंने दोनों मादियों के सामने, ये भी मादी है वो भी मादी है, तो इन्होंने ना बहुत मार खाई है, क्योंकि ना इनकी जो मादी थी ना वो मार गई थी, पता नहीं कैसे मरी थी ये ना। और भी होती है, मैं आपको बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा हार्डी कौन से होते हैं, यानी कि सख्त जान कौन से होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इनकी नेचर को ना समझो फिर रखो, ऐसे ना रखो, अगर सारे मेरी तक घुसा कर रख दोगे ना तो फिर घुसा कर देखना सब मार देंगे, एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। ये पहले कबूल नहीं करते किसी को, उस पर टाइम लेते हैं, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे एंटर करना है न्यू बर्ड को। तो जाते जाते आपने मोटू की तो मोटू का बाय, ओके अल्लाह हाफिज़।